नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि अंगूर से किस तरह से वाइन बनाई जाए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अंगूर की वाइन कैसे बनाए, बिल्कुल आसान तरीका है। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे वैसे बनाइए, बहुत बढ़िया बनेगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्या सामग्री लगी। दोस्तों, अंगूर की वाइन बनाने के लिए हमें चाहिए अंगूर, तो काले अंगूर चाहिए, ये 1 किलो है। तो 1 किलो में आराम से 1 लीटर से ज्यादा बनेगा। तो इसको कैसे बनाना है वो प्रोसेस में आगे बताता हूँ। सबसे पहले तो आप अंगूर को लाइए और बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लीजिए और इसे सुखा लीजिए। जैसे कि देख रहे हैं मैंने धो के रखा हुआ सुखा के, तो आगे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। दोस्तों, अंगूर की वाइन बनाने के लिए हमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए वो है जार। तो हमारे पास एक जार होना चाहिए, वो भी जो है कांच या सिरेमिक का हो, कोई भी हो चलेगा। तो कांच का होना चाहिए और बिल्कुल साफ और सूखा होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल सूखा हुआ है। अब हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जो अंगूर हमारे पास है जिसके आप देख रहे हैं, अब हम इसे फोड़ देंगे, इसी में क्रैश कर देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए इस तरह से। दोस्तों, जितना हम इसमें शक्कर लेंगे उतना ही पानी लेंगे, तो ठीक उतना ही पानी मैंने लिया हुआ है और मैंने इसको बहुत अच्छे से उबाला है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैं इसको रूम टेम्परेचर में आने दूंगा, तो मैं इसको अभी जो है इंतज़ार करूंगा। दोस्तों, ये 1 किलो अंगूर को क्रश कर लिया है मैंने अच्छे से। अब क्या मसाले लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये हमारे मसाले हैं कुछ, ये देखिए, जैसे कि ये कश्मीरी लाल मिर्च, ये दालचीनी, इसके अलावा बड़ी इलायची एक, और छोटी जो है 5-6 इलायची छोटी है, और ये 5 लौंग है। दोस्तों, ये मसाला आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो भी मत डालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो अभी हम जो है हमने जो अंगूर को क्रश किया हुआ हम इसी में डालेंगे। सबसे पहले हम जो है मिर्ची है इसको हम तोड़ देंगे 2 हिस्सों में और डाल देंगे इस तरह से, इसकी डंठलें निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमारी ये दालचीनी है इसको हम डाल देंगे, बड़ी इलायची है उसको भी डाल देंगे, ये छोटी इलायची है उसको भी डाल देंगे, और ये है लौंग इसको भी डाल देंगे। तो दोस्तों, इसमें अब हम शक्कर डालेंगे, 250 ग्राम शक्कर है। अब हम इसमें ठीक जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, ये पानी मैंने उबाल कर रखा हुआ, देखिए अब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर में आ गया है। तो जितना हम जो शक्कर लेंगे ठीक उतना ही हम पानी लेंगे। और हम इसमें डाल देंगे, अब जो हम इसे अच्छे से घुमा लेंगे, मिला लेंगे। दोस्तों, अंगूर की वाइन बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है खमीर। तो हम इसमें 1 चम्मच खमीर डाल लेंगे, बड़ा चम्मच है। अब जो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देख लीजिए दोस्तों, लकड़ी का ले लें, इस बात का ध्यान रखें, तो लकड़ी का चम्मच लें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। दोस्तों, इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिला लें और ठीक 24 घंटे बाद इसी समय फिर इसे मिलाना है। तो इस तरह से हमें जो है करीब 11 दिन तक के जो हमें इसे
जो है मिलाते रहना है। तो मैं रोज आपको दिखाऊंगा, कोशिश रहेगी मेरी दिखाने की, लेकिन यह है कि जिस समय आपने इसको घोला है ठीक उसी समय आपको जो है दूसरे दिन आपको घोलना है। दोस्तों ऐसे साफ कपड़ा ले, बिल्कुल एकदम वाइट कपड़ा ले लें आप, और इसको जो है इस तरह से रखते हैं और इसको हम जो है बांध देंगे। तो अब मैं इसे ठीक 24 घंटे बाद जो है इसको मैं फिर से एक बार मिलाऊंगा 2 से 3 मिनट के लिए। इसका ढक्कन इस तरह से रख देंगे, इसको लगाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अब इसको हमें जो है ऐसी जगह रखना है जहां अंधेरा हो, तो इसको सूरज की रोशनी नहीं मिलनी चाहिए दोस्तों। तो अब जो हम इसे रखेंगे और फिर मैं जो है आपको 24 घंटे बाद फिर दिखाऊंगा। दोस्तों हमारी अंगूर की वाइन जो है 24 घंटा हो चुका, हर 24 घंटे मैं मिलाता हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसे फिर मैं खोलूँगा और इससे अच्छे से मिलाऊंगा 2 से 3 मिनट के लिए। तो लकड़ी के जो है चम्मच से आपको घुमाना है इसे, दोस्तों ये करीब 3 मिनट हो चुका है। अब मैं जो है इसको बांध के रख दूंगा छाव, अंधेरी जगह में आपको रखना है, इस बात का ध्यान रखें आप। तो बहुत ही सिंपल है, तो इसे बांधना है। और इस ढक्कन से हम इसे ढक देंगे। दोस्तों 24 घंटे हो चुके हैं, अब जो है हम फिर से जो इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि लकड़ी का जो है आप जो भी इसमें जो यूज करें वो लकड़ी का होना चाहिए और सूखी होनी चाहिए। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, बिल्कुल सूखा हुआ है। प्रोसेस बिल्कुल आसान है, इसको हम खोल लेंगे। इसके बाद जो हम इसे मिला लेंगे इस तरह से, अच्छे से मिला लेंगे। 2 से 3 मिनट तक के हम इसे मिलाएंगे अच्छे से। दोस्तों ये देखिए 3 मिनट करीब हो चुका है, अब जो हम इसको जो है बंद कर देंगे। तो हम इसे जो है साफ कपड़े से इसे ढक के जो हम इसे लगा देंगे इस तरह से, और इसे अंधेरे स्थान में रख देंगे। तो इस तरह से हर रोज करना है, कम से कम आपको 11 दिन करना ही है। इसे अंधेरे में रखेंगे। तो दोस्तों इसे हम 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों ये 3 मिनट हो गया है, अब जो हम इसे बांध के रख देंगे।
अब इसको मैं अंधेरे वाले स्थान में रख दूंगा। दोस्तों 11 दिन हो चुका है, अब जो है हम आगे के प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। इसको हम निकाल लेंगे तरह से और हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब जो हम किसी इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे अभी हम। अब हम छन्नी लेंगे और छन्नी से हम इसे छानेंगे। तो थोड़ा थोड़ा लेकर हम इसको डालते रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो है इसे चम्मच की सहायता से आपको इस तरह से जो है पूरा छानना है। तो अब मैं जो है इसे मैं पूरा छानूंगा। दोस्तों हमने इसको छान लिया है, अब हम इसे दूसरे पतीले में निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से छनने के बाद हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से मलमल का कपड़ा या कोई भी कॉटन कपड़ा ले ले बिल्कुल, और इससे जो है आप कम से कम 2 से 3 तह लगा लें और इस तरह से इसको जो है रखें और धीरे धीरे आप चाहे तो इसको हल्का सा बांध लें यहाँ से ताकि नीचे ना खसके, और नहीं तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको। इसको थोड़ा सा अंदर इस तरह से दबा दें ताकि जो है अच्छे से छान सके हम। तो इसी तरह से मैं पूरा छान लूंगा। तो दोस्तों इसको मैंने छान लिया है, एक बार और आप कपड़े से इसको छान लीजिए। तो मैं भी इसको एक बार छानूंगा और इस बोतल में मैं जो इसको डाल के रखूंगा और बिल्कुल टाइट बंद कर दूंगा। 21 दिन हो चुका है, तो आप इसे जितना पुराना अगर रखना चाहे रख सकते हैं, जितना पुराना होगा उतना बढ़िया होगा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसमें बोतल में भर के। तो दोस्तों इसको अच्छे से बिल्कुल टाइट ढक्कन लगा दें जैसे कि मैंने लगाया हुआ है, और इसको जो है आप कभी भी ले सकते हैं, चाहे तो अभी भी ले सकते हैं और या फिर जितना पुराना रखना चाहे उतना पुराना रख सकते हैं। धीरे धीरे इसके अंदर ये बैठ जाएगा और बिल्कुल जो है क्लीन हो जाएगा। तो दोस्तों ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो अभी देखिए ये जैसे देख रहे हैं आप, इसका कलर बिल्कुल बदल जाएगा। तो आप इसको बनाइए और बताइए मुझे अपना एक्सपीरियंस, आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।